नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम चुके रहो हाल जय शिक्षा जय जिनेंद्र मैं हूं चैताली पाटिल आपके अपने चैनल स्टूडेंट खबरी पर और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 कॉमर्स कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल के बारे में। इससे पहले आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होता है और इससे पहले वाले हमारे कुछ वीडियोज में हमने कर्नाटक के बारे में, उसके बाद केरला के बारे में, उसके बाद महाराष्ट्र के बारे में, उसके बाद इंडिया के कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में हमने आपको बताया जो ऐसे कौन कौन से कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं उन स्टेट्स में कॉमर्स से रिलेटेड। अब मैं आपको बताने वाली हूं कॉमर्स के जो टॉप कॉलेजेस है वेस्ट बंगाल में आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अब आइए चलिए देखते हैं ऐसे कौन से कॉलेजेस जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर फर्स्ट कॉलेज की हम बात करें तो फर्स्ट कॉलेज है गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोलकाता। ये जो कॉलेज है बेसिकली कोलकाता में सिचुएटेड है। इस कॉलेज का बहुत नाम है और इसका अगर हम कैंपस की बात करें गाइस तो कैंपस बहुत अमेजिंग है। साथ ही साथ इसका पैकेज देखें तो पैकेज भी बहुत अमेजिंग है और अगर हम स्टडी देखें तो स्टडी वाइज भी ये कॉलेज बहुत अच्छा है। अगर आप चाह रहे हैं इसमें एडमिशन लेना तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम सेकेंड कॉलेज की बात करेंगे तो हमारा सेकेंड कॉलेज है जेडी बिरला इंस्टीट्यूट जिसका हम शॉर्ट टर्म है JDBI कह सकते हैं विच इज ऑल्सो सिचुएटेड इन कोलकाता बेसिकली। तो अगर आप कोलकाता में ही एडमिशन लेना चाहते हैं वेस्ट बंगाल में तो आपके पास बहुत अमेजिंग और बहुत अलग अलग ऑप्शन है। आपको मैं अभी और भी बहुत सारे ऑप्शन बता रही हूँ तो मतलब किसी एक कॉलेज पे आके आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत अलग अलग ऑप्शन है। बट गाइस मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सारे कॉलेजेस का अपना अपना एक प्रोसीजर होता है एडमिशन, कोई मेरिट बेस पे होता है कोई एंट्रेंस बेस पे होता है तो ये आपको चेकआउट करने की जरूरत है। इस साथ में अगर थर्ड कॉलेज की बात करूं तो हमारा थर्ड कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट बेसिकली कोलकाता में सिचुएटेड है, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं फोर्थ नंबर के कॉलेज की बात करूंगी तो वो है सेंट जेवियर कॉलेज, SXC बोलते हैं जिसको हम शॉर्ट नेम में, वो जो कोलकाता में सिचुएटेड है। अगेन दिस कॉलेज इज ऑल्सो सिचुएटेड इन कोलकाता गाइज। मतलब मैंने जैसा कि कहा था कि आप कोलकाता में और भी जो कॉलेजेस है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर मैं फिफ्थ कॉलेज की बात करूंगी गाइस तो फिफ्थ कॉलेज है हमारा स्कॉटिश चर्च कॉलेज। कितना यूनिक नेम है ना, बिल्कुल। इसके ये जो कॉलेज है ये भी हमारा कोलकाता में सिचुएटेड है तो अगर आप चाह रहे हैं इसमें एडमिशन लेना तो आप इसमें एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं लेकिन हमारे नेक्स्ट कॉलेज की तो वो है एनेक्स कॉलेज कोलकाता। अगेन दिस कॉलेज इज ऑल्सो सिचुएटेड इन कोलकाता गाइज, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं सेवन्थ नंबर के कॉलेज की बात करूंगी तो सेवन्थ नंबर का कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। बेसिकली गाइज अगर इसका शॉर्ट नेम बोलूं तो IISWBM इसका शॉर्ट नेम है। ये जो यूनिवर्सिटी ये भी कोलकाता में सिचुएटेड है तो आपके पास जो ऑप्शंस है वो बहुत इंक्रीज होते जा रहे हैं और ये जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत अमेजिंग यूनिवर्सिटी है। आप एक बार उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसमें जो प्रोसीजर एडमिशन का ये एंट्रेंस बेस पे या फिर मेरिट बेस पे होता है तो आप एक बार इसको प्लीज चेक कीजिएगा, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मतलब आपके पास कोलकाता के लिए बहुत सारे ऑप्शन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब आपको किसी एक पे नहीं, दो पे नहीं, तीन पे नहीं, मतलब बहुत सारे सो मेनी ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं 8 नंबर के कॉलेज की बात करूंगी तो वो है केडी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड जनरल स्टडी और जो ये हमारा कॉलेज है वो सिचुएटेड है मनीनापुर में। मतलब ये जो एक प्लेस है यहाँ पे ये कॉलेज सिचुएटेड है, अगर आप इस प्लेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इस जगह में आप जाके एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अमेजिंग कॉलेज है, आप ले सकते हैं इसमें एडमिशन। बेसिकली ये जो कॉलेजेस है ये कॉमर्स वालों के लिए तो बिल्कुल जाइए, बिल्कुल चेकआउट कीजिए बाइज, बिल्कुल भी मत सोचिए। आपके पास बहुत अमेजिंग है, बहुत सारे ऑप्शन है। आप कोलकाता में जाना चाहते हैं क्या, खुद कोलकाता में रहते हैं और अलग सिटीज में जाके कोलकाता के अदर सिटीज में जाके आप एडमिशन लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं वहां पे रहने के लिए, वहां स्टडी करने के लिए, आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद अगर मैं नाइन्थ कॉलेज की बात करूं तो नाइन्थ कॉलेज है आशुतोष कॉलेज कोलकाता। तो बेसिकली ये जो कॉलेज है ये भी कोलकाता में सिचुएटेड है गाइस। जैसे कि मैं आपको उससे बता ही रही हूँ कि ये जो सारे कॉलेजेस ना वेस्ट बंगाल में ये मोस्टली कोलकाता में ही सिचुएटेड है तो मतलब कोलकाता में बहुत सारे ऑप्शंस है स्टडी के लिए। इसके बाद मैं लास्ट कॉलेज की बात करूंगी तो हमारा लास्ट कॉलेज है मौलाना आजाद कॉलेज कोलकाता। तो MAC जिसको बोलते हैं हम मौलाना आजाद कॉलेज, बेसिकली ये जो कॉलेज है ये भी कोलकाता में सिचुएटेड है। इसकी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस है। इस कॉलेज में एडमिशन लेना थोड़ा ट्रिकी सा है पर ये है कि अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो गया तो भाई साहब मतलब आपके पैकेजेस इतने अमेजिंग होंगे, आपके प्लेसमेंट्स इतने अमेजिंग होंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये थे हमारे टॉप 10
कॉमर्स कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हम इसी तरह नए और वीडियोस के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।